अच्छा, तो बेसिकली आपके जो लिगामेंट्स हैं उन पे अब आते हैं। तो जो लिगामेंट्स हैं मीडियल और लैटरली, जो आपका मीडियल लिगामेंट है, सबसे पहले मीडियल लिगामेंट जो है ऑल्सो नोन एज डेल्टॉइड लिगामेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लिगामेंट स्पेशली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए टू द जॉइंट। और इसकी जो कंपोनेंट्स हैं, चार कंपोनेंट्स हैं। एक आपका पोस्टीरियर टिबियो टेलर पार्ट है, टिबियो टेलर मतलब टेलस तक, तो पोस्टीरियर टिबियो टेलर पार्ट। अगर पोस्टीरियर है तो एक एंटीरियर टिबियो टेलर पार्ट है, दो तो ये हो गए। फिर आपका एक जाता है टिबिया से कैल्केनियस की तरफ और एक जाता है टिबिया से नेविकुलर की तरफ। तो एक टिबियो कैल्केनियल पार्ट और एक टिबियो नेविकुलर पार्ट, तो पांच फोर पार्ट्स हो गए, एंटीरियर पोस्टीरियर टिबियो टेलर टिबियो कैल्केनियर और टिबियो नेविकुलर पार्ट्स। क्या इसका पॉइंट क्या है इन टेंडन्स का? ओवर ई वर्जन, ओवर इन वर्जन। तो ये सिंस आपकी मीडियल साइड पे है तो ये ओवर ई वर्जन को प्रिवेंट करता है, ठीक है? स्ट्रेसेस अगेंस्ट ई वर्जन से ये आपको प्रिवेंट करता है। फिर फ्लिप साइड पे आते हैं तो आपके आते हैं लैटरल जो लिगामेंट ऑफ द एंकल जॉइंट है, इसका ऐसा कुछ वो नाम नहीं है, लैटरल लिगामेंट ही कहते हैं। इसके थ्री पार्ट्स हैं, एक तो ये पोस्टीरियर टिबियो फिबुलर पार्ट है, सॉरी ये नहीं है, पोस्टीरियर ये वाला इधर पीछे, पोस्टीरियर टिबियो टेलो फिबुलर पार्ट है, टेलस। फिर दूसरा आपका आता है एंटीरियर टेलो फिबुलर पार्ट, जो के ये टेलस से वो पोस्टीरियरली कनेक्ट करते हैं, ये एंटीरियर कनेक्ट करते हैं फिबुला को। तो ये एंटीरियर पोस्टीरियर हो गई, और साथ इसके जो आखिरी है वो कैल्केनियो फिबुलर पार्ट लिगामेंट है, जो के ये जा रहे हैं। थ्री लिगामेंट्स है, टेलो फिबुलर, एंटीरियर पोस्टीरियर और कैल्केनियो फिबुलर। अदर इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स इनका पता होना चाहिए, ये पोस्टीरियर टिबियो फिबुलर और एंटीरियर पोस्टीरियर एंटीरियर टिबियो फिबुलर, वेरी इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स, क्योंकि आपके टिबिया को फिबुला से एडहेरेंट रखते हैं। फिर एक बाइफरकेट लिगामेंट होता है जो यहाँ पे नजर आ रहे हैं आपके, बेसिकली नेविकुलर को इधर से क्यूबॉइड को इधर पीछे टेलिस के साथ ज्वाइन करता है। उसके अलावा यहाँ पे एंटीरियरली डॉर्सल टेलो नेविकुलर, लेकिन ये माइनर लिगामेंट्स हैं, इनका इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी उसकी थी। ये एक छोटा सा इंपॉर्टेंट लिगामेंट है, प्लांटर कैल्केनियो नेविकुलर लिगामेंट। ये कैल्केनियस से स्ट्रेट जाता है नेविकुलर बोन तक। इस लिगामेंट कभी 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 पूछ लेते हैं, लेकिन एटलीस्ट जो मेन लिगामेंट्स हैं उनका पता होना चाहिए। ये अगेन फ्रंट व्यू है, इसमें आपको एंटीरियर टिबियो फिबुलर बहुत अच्छा नजर आ रहा है, और सीधा इसके पोस्टीरियरली आपको पोस्टीरियर टिबियो फिबुलर बहुत अच्छा नजर आएगा। बाकी मीडियल साइड है तो ये सारा डेल्टॉइड लिगामेंट्स हैं, और ये आपकी लैटरल साइड है तो ये आपके लैटरल जो लिगामेंट्स आ जाते हैं। ये बाइफरकेट लिगामेंट जिसकी मैं बात कर रहा था, इधर से कैल्केनियस से क्यूबॉइड बोन तक और कैल्केनियस से नेविकुलर बोन तक, ये दो इसके पार्ट्स हैं। बाइफरकेट लिगामेंट है सिर्फ इसलिए पता होना चाहिए कि इन केस पूछ लें कौन सा लिगामेंट बाइफरकेट होता है या किस लिगामेंट के टू पार्ट्स होते हैं। लास्टली अब लेयर्स ऑफ द फुट पे आते हैं। ये अगेन वही लिगामेंट्स है मोर लेस। हाँ, यहाँ पे कुछ स्प्रिंग लिगामेंट्स हैं जो पोस्टीरियर साइड, अगर दिखाई हो उनकी, ये लॉन्ग और शॉर्ट प्लांटर लिगामेंट्स। यहाँ पे ये कैल्केनियस से बेस से लेकर आपके जो फिफ्थ फोर्थ थर्ड और समटाइम्स सेकेंड तक जा रहा होता है,
इसको कहते हैं लॉन्ग प्लांटर लिगामेंट। वेरी इंपॉर्टेंट लिगामेंट, क्यों? क्योंकि ये इन्वॉल्व होता है इन मेंटेनिंग ऑफ आर्चेस। एक ये वाला जो लिगामेंट है स्प्रिंग लिगामेंट, ये इस व्यू में बेहतर नजर आ रहा है, जो कैल्केनियो, ये कैल्केनियस और ये नेविकुलर बोन, कैल्केनियो नेविकुलर लिगामेंट भी कहते हैं। ये भी स्प्रिंग लिगामेंट है, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग ऑफ आर्च। फिर आपका जो शॉर्ट प्लांटर लिगामेंट है, उधर ही कैल्केनियल ट्यूबरकल कैल्केनियस से लेकर सामने क्यूबॉइड बोन तक जाता है, ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग ऑफ आर्च। किस तरह में चलेगा, कौन सी आर्च मेंटेन करने है? ऑब्वियसली जिस साइड पे लिगामेंट पड़ा है वो उस साइड वाली आर्च मेंटेन करने में ज्यादा मेजर रोल प्ले कर रहा है। अच्छा, एक्सटेंसर रेटिनेकुलम, एक्सटेंसर रेटिनेकुलम क्या है? दो पार्ट्स हैं, एक इन्फीरियर एक्सटेंसर रेटिनेकुलम और एक सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनेकुलम। क्या सिग्निफिकेंस है? स्ट्रक्चर्स को होल्ड डाउन करता है। कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? टिबियालिस एंटीरियर का टेंडन, एक्सटेंसर डिजिटोरम का टेंडन, एक्सटेंसर हायलोसिस का टेंडन, सारे इसके इधर से पास करते हैं और इनको होल्ड डाउन करके रखते हैं। इसके अलावा जो आर्टरी भी है वो इसके नीचे से गुजर के जाती है। फुट में ये अगेन वो सारे टेंडन हैं जिनकी हमने पहले बात की है, इस पर बाद में आएंगे, पहले इधर जो दो मसल्स हैं वो कर लेते हैं। एक सेकंड देखो, अच्छा मैं कह रहा हूँ बाद में दोबारा आ जाएंगे, पहले बेस में कर लेते हैं, शायद नीचे दियो। अच्छा, अब फुट की बेस से स्टार्ट करते हैं। तो फुट की बेस में मैं सुपरफिशियल टू डीप जाऊंगा। तो सबसे जो सुपरफिशियल आपका स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है वो ये प्लांटर एपोनियोरोसिस है, कैल्केनियल ट्यूबरोसिटी से ओरिजिन लेके फैन आउट करता है बिल्कुल एंड तक सारे डिजिट्स के यहाँ पे जाता हुआ नजर आ रहा है। उसके अलावा इसके नीचे आपको ट्रांसवर्स मेटाटार्सल लिगामेंट पड़ा हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पे फेसिकुलाए पड़े हुए हैं। अगेन रेटिनेकुलर से स्ट्रक्चर्स हैं, कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन फॉर कंप्लीटनेस सेक मैं इस सुपरफिशियल मोस्ट लेयर का मैंने कहा बता दूं। फिर जब इसको रिमूव करते हैं तो आपकी फर्स्ट जो लेयर ऑफ मसल्स है वो आती है। फर्स्ट लेयर ऑफ मसल्स कौन सी है? मीड साइड्स पे आपके दो एबडक्टर्स पड़े हैं और सेंटर में आपका फ्लेक्सर पड़े हैं। इस तरह याद रख लें, साइड पे आपके दो एबडक्टर्स पड़े हैं, मोर और लेस हैंड वाले प्रिंसिपल्स हैं। यहाँ पे डीजीटी मिनिमी का अपना एबडक्टर है, यहाँ पे बिग टो हेलोसिस का अपना एबडक्टर है। सिंस एबडक्टर्स हैं, इनकी अटैचमेंट बिल्कुल आपकी आउटर साइड पे होगी क्योंकि इन्होंने बाहर को पुल करना है। तो जो कि आपका एबडक्टर है कैल्केनियस से ऑरिजिन लेगा, मोर स्पेसिफिकली मीडियल ट्यूबरकल, लेकिन कैल्केनियस भी बताओ काफी है, और प्रॉक्सिमल फैलिंग्स ऑफ बिग टो पे जाके अटैच होगा। एक्शन एडक्ट्स बिग टो, जो कि है एबडक्टर डिजिटी मिनिमी, प्रॉक्सिमल फैलिंग्स ऑफ लिटल टो पे जाके अटैच होगा। अगेन इसका भी ऑरिजिन कैल्केनियस से ही होगा। तीसरा आपका आ जाता है फ्लेक्सर डिजिटोरम, हमने पहले लॉन्गेस्ट किया था, तो ये आपका फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस है, और फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस है शॉर्टर मसल है, लॉन्गेस्ट यूजली ज्यादा लंबा होता है, तो इसलिए ये जो है ये फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस की तरह बाइफरकेट करता है जहां पे इसकी अटैचमेंट होती है, अटैच की करता है प्रॉक्सिमल फैलिंग्स पे। अगेन ब्रेविस मसल्स यूजली थोड़ा पीछे अटैच होते हैं, तो इसका ट्यूबरकल ऑफ कैल्केनियस, मीडियल ट्यूबरकल ऑफ कैल्केनियस से लेकर
मिडल फैलिंग्स ऑफ आपके जो सारी फोर लैटरल टोज हैं यहाँ तक ही जाके अटैच होगा। अगेन इसके क्या काम है, फ्लेक्सर है, फ्लेक्शन कराएगा मिडल फैलिंग्स की ऑफ लैटरल फोर टोज, लेकिन डिस्टल फैलिंग्स की ये नहीं करा सकते। यहाँ पे आपको तीनों मसल्स इन आइसोलेशन नजर आ रहे हैं। दो एबडक्टर्स और फ्लेक्सर्स के बाद जब आप सेकेंड लेयर पे आते हैं, तो सेकेंड लेयर आप लम्ब्राइकल लेयर याद रख लें, ठीक है। साथ क्वाड्रेटस प्लांटे है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट वो मसल नहीं है जितने आपके लम्ब्राइकल्स हैं। तो लम्ब्राइकल लेयर में आपके पास क्या है, जिस तरह हैंड में थे फोर लम्ब्राइकल्स हैं, लम्ब्राइकल का एक्शन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लेक्स एक जॉइंट पे और एक्सटेंड दूसरे जॉइंट पे। फ्लेक्स किस पॉइंट पे कराते हैं, फ्लेक्स करवाते हैं मेटाटार्सो फेलेंजियल जॉइंट्स, ठीक है, जिस तरह हैंड में था। एक्सटेंड किस पे कराते थे, हैंड इंटरफेलेंजियल, तो यहां पे भी इंटरफेलेंजियल जॉइंट पे एक्सटेंड करवाते हैं। तो ये आपके लम्ब्राइकल्स का फंक्शन है, फ्लेक्शन एट मेटाकार्पो मेटाटार्सो फेलेंजियल जॉइंट एंड एक्सटेंशन एट इंटरफेलेंजियल जॉइंट। ओरिजिन क्या है, हैंड में क्या था ओरिजिन का, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के टेंडन के ऊपर से। इधर क्या पे ओरिजिन है, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस के टेंडन के ऊपर से। यहाँ पे आपको ये नजर आ रहे हैं, ये चारों अपना ओरिजिन ले रहे हैं। इंसर्शन कहाँ पे है, जस्ट लाइक द हैंड एक्सटेंसर हुड्स में जाके ये इंसर्ट होते हैं, ये एक्सटेंसर एक्सपेंशन भी इसे कह सकते हैं। नर्व सप्लाई पे भी थोड़ी देर तक आते हैं, क्योंकि वो दो नर्व्स हैं यहाँ पे, तो उनको मैं एज अ ग्रुप ही अगेन बताऊंगा। अच्छा थोड़ा दूसरा मसल क्वाड्रेटस प्लांटे, दूसरा मसल है। कोई इसका डिस्टिंक्ट रोल, कोई डिस्टिंक्ट फंक्शन एज सच नहीं है। कैल्केनियस से ये भी ओरिजिन लेते हैं मीडियल लैटरल ट्यूबरकल से, ठीक है, और जाके ये जो अटैच होता है, ये बेसिकली टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस के अंदर जाके, ये जो टेंडन आपके पास जा रहा है फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस का, इसके अंदर ये इंटरमिंगल कर जाते हैं। तो ये असिस्ट ही करता है इन फ्लेक्सिंग ऑफ द टोस, कोई बहुत मेजर इसका रोल नहीं है। फिर थोड़ी कंफ्यूजिंग लेयर है जो आपकी थर्ड लेयर आती है। पहली लेयर दो एबडक्टर्स फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस, दूसरी लेयर्स लम्ब्राइकल्स, तीसरी लेयर आपके पास अब मल्टीपल मसल ग्रुप्स आ गए हैं। सबसे पहले जो मसल की मैं बात करता हूँ वो आपका आता है फ्लेक्सर हेलोसिस ब्रेविस। फ्लेक्सर हेलोसिस ब्रेविस दो बातें, एक तो इसके दो साइड्स ऑफ ओरिजिन है और इसके स्प्लिट इंसर्शन भी है, एज इन आगे जाके स्प्लिट हो जाता है। तो इसके मीडियल और लैटरल हेड्स हैं, ये मीडियल हेड हो गया और ये आपका लैटरल हेड हो गया। साइड्स ऑफ जो ओरिजिन है, क्यूबॉइड और थर्ड क्यूनिफॉर्म बोन से आता है। यहाँ पे वो फिबुलरिस लॉन्गस के टेंडन पड़े, लेकिन क्यूबॉइड और थर्ड क्यूनिफॉर्म उससे इसका ओरिजिन है। और इंसर्शन क्या है, अपने अंदर इनकेस करके दो सेसमोइड बोन्स को जो आपकी पिक्ट हो गई होती हैं, प्रॉक्सिमल फैलिंग्स, क्योंकि ब्रेविस मसल है फ्लेक्सर हेलोसिस ब्रेविस, तो इस डिस्टल तक ये नहीं जाएगा। प्रॉक्सिमल फैलिंग्स ऑफ बिग टो, एक्शन सिंपल है, फ्लेक्शन कराएगा। फिर एडक्टर, एडक्टर ब्रेविस के अगेन दो हेड्स होते हैं, इनके अपने नाम भी हैं, एक ऑब्लीक हेड और एक ट्रांसवर्स हेड। तो ये आपको यहाँ पे ये डिस्टल एंड ऑफ मेटाटार्सल्स नजर आ रहे हैं, बेस ऑफ फैलिंग्स, कौन से वाले, 5, 4 और 3, 5 से लेकर 3 तक। यहां से ये एक हेड इसका ओरिजिन लेगा और डायगनली ट्रेवल करेगा, और जो दूसरा है इनके प्रोक्सिमल एंड से लैटरल 4 मेटाटार्सल्स के, वहां से ये अपना ओरिजिन लेगा और इधर ट्रेवल करेगा।
तो ये आपका हो गया ट्रांसवर्स हेड जो बिल्कुल कट अक्रॉस करे, और ये आपका हो गया ऑब्लिक हेड, दोनों अटैच कहाँ होंगे, प्रॉक्सिमल फैलिंग्स ऑफ टो की थोड़ी लैटरल साइड पे। अच्छा फंक्शन क्या होगा, ऑब्वियसली एडक्टर हेलिसिस है तो एडक्ट करेगा। तो अगर नोटिस करें हमने जो थर्ड लेयर है उसमें थंब के दो मसल्स किए हैं या बिग टो के, ठीक है। तो जो तीसरा मसल है लिटिल टो का फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी पे आते हैं। जो फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी है अगेन वो बेस ऑफ फिफ्थ मेटाटार्सल से अपना ओरिजिन लेता है, इंसर्शन ऑब्वियसली इसका उधर ही होगा प्रॉक्सिमल फैलिंग्स पे क्योंकि फ्लेक्सर है, माइनर फ्लेक्सर है, और इसका एक्शन भी फ्लेक्शन ऑफ लिटिल टो होगा। तो जो थ्री मसल्स हमने किए हैं, थर्ड लेयर है, थ्री मसल्स हैं, दो आपके थंब के हो गए, एक डिजिटी मिनिमे का हो गया, दो थंब के कौन से हो गए, एक फ्लेक्सर हो गया, एक एडक्टर हो गया, खत्म। अब आते हैं लास्ट लेयर पे जो फोर्थ लेयर है। अगर आपको याद हो हैंड में आपके डीपेस्ट मसल कौन से, जो बोन के ऊपर पड़े थे आपके, पैड और डैब, पैड और डैब इंट्रोशिया थे, DAB। तो निमोनिक क्या सिग्निफाई करता है, पैड पामर एडक्ट डैब डॉर्सल एबडक्ट। यहाँ पे आपको कौन से नजर आ रहे हैं, 1, 2 और 3 पामर इंट्रोशिया है, तो ये क्या करते हैं पामर एडक्ट। एडक्ट थंब का क्यों नहीं आपको नजर आ रहा है इंट्रोशिया, क्योंकि थंब का अपना अभी हमने इतना बड़ा एडक्टर पढ़ा है दो हेड्स के साथ, तो इसको नहीं चाहिए एडक्टर। इसका क्यों नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि ये आपका मिड लाइन है, ये सिर्फ एबडक्ट करेगा, ये एडक्ट नहीं करेगा। तो पीछे क्या रह गया, 3 आपके एडक्टर्स डिजिट 3, 4 और 5 के। नेक्स्ट आ जाओ डैब पे डॉर्सल एबडक्ट, थंब का क्यों नहीं है, थंब का अगेन अपना एबडक्टर हमने अभी पढ़ा है। लिटिल डिजिट का क्यों नहीं है, लिटिल डिजिट का भी हमने अपना एबडक्टर पढ़ा है। पीछे कौन से रह गए डिजिट्स, 2, 3, 4, टोटल है कितने एबडक्टर्स, 4। क्यों 4 है, क्योंकि जो सेंटर वाला डिजिट है वो दोनों तरफ ही मूव करेगा, तो उसे हम एबडक्शन कहेंगे, ठीक है। सेंटर वाला जो आपका सेकेंड डिजिट है वो दो तरफ एबडक्ट करता है और नो एडक्शन, क्योंकि वो मिड लाइन है। ये आपके हो गए पामर और डोर्सल इंट्रोशिया, क्या कराते हैं पैड और डैब। अब इस पॉइंट पे मैं नर्व्स की बात करता हूँ, क्योंकि अब आती है नर्व सप्लाई की बात। तो नर्व सप्लाई जो है वो इनकी इस तरह है कि इसकी दो नर्व्स आपके पास आ रही होती हैं फुट में। दोनों नर्व्स आ कहां से रही होती हैं, ये पीछे टिबियल नर्व से। कौन सी दो नर्व्स आ रही होती हैं, टिबियल नर्व आ गया कि बाइफर्केट करती है इनटू लैटरल और मीडियल प्लांटर नर्व्स। और अगर नोटिस करो तो जो आपकी ये है लैटरल प्लांटर नर्व, ये यूं जा रही है और फिर यूं कर्व करके आ रही है, और मीडियल प्लांटर थोड़ी मीडियल साइड पे ही बस यूं स्ट्रेट ट्रेवल कर रही है। क्यों मैं इसकी एनाटॉमिकल डिस्टिंक्शन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसी से आपका फर्क पड़ता है कि कौन से मसल सप्लाइड है। जो के है मीडियन प्लांटर नर्व, ठीक है, वो सप्लाई करती है आपके 4 मसल्स को। कौन सा 4 मसल्स, इसीलिए मैंने यहाँ एनाटॉमिकल डिस्टिंक्शन की बात की थी। कहाँ पे पड़ी है मीडियल प्लांटर नर्व, आपकी थंब वाली साइड पे, मीडियल साइड पे। तो थंब वाली साइड पे कौन से मसल्स होंगे मोस्ट लाइकली पड़े, थंब के मसल्स। तो थंब के मसल्स कौन कौन से आते हैं, फ्लेक्सर हेलिसिस ब्रेविस एक हो गया, और कौन सा होगा इस साइड पे दूसरा पड़ा, ए बी डक्टर हेलिसिस, ठीक है। और यहां पे कौन सा पड़ा है आपका लमराइकल, कौन सा वाला
फर्स्ट लमराइकल, ये सबसे आखिरी पड़े, तो फर्स्ट लमराइकल। और आखिरी जो है, जो हमने फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस किया था, ये स्लाइड होता है। अब जब आपने ये चार मसल्स याद कर लिए, फ्लेक्सर हेलुसिस ब्रेविस, एबडक्टर हेलुसिस, फर्स्ट लमराइकल, फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस, इसके अलावा बाकी सारे सप्लाइड हैं बाय लैटरल प्लांटर नर्व। जो भी मसल है इसके अलावा, फुट का इंट्रिंसिक मसल, जो फुट की मोर लेस ये वाली सारी साइड बनती है, वो सप्लाइड है बाय द लैटरल प्लांटर नर्व। तो इसलिए नर्व सप्लाई के लिए मीडियन प्लांटर के चार याद कर लें, और बाकी सारे आर बाय लैटरल प्लांटर नर्व्स। ये जरा थोड़ी इसकी एनाटॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, मीडियल लैटरल प्लांटर नर्व की, आर्टरीज तो बाद में आते हैं। यूं करके आर्च अराउंड करके यहाँ तक ट्रेवल करती है, और जो थोड़ी मीडियल प्लांटर नर्व है इधर ही स्ट्रेट ऑन ट्रेवल करती है। देखते हैं इसका एक्सटेंसर कंपार्टमेंट अगर अच्छी तरह दिया है। यहाँ पे एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के दो मसल दिए नहीं है, इसमें फिर भी नजर आ रही है। अच्छा, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में दो ही मसल्स हैं, ये यहाँ पे आपको इस मसल के नीचे पहला वाला नजर आ रहा है। तो बेसिकली कैल्केनियस की जो डॉर्सल सरफेस है, यहाँ से आपके दो मसल्स ओरिजिन लेते हैं, और एक यूं ट्रेवल करता है, और एक आपका फैन आउट करके ये जाता हुआ नजर आ रहा है। ये एक, दो, तीन और चार इसके नीचे। तो ये आपका कौन सा है? ये आपके एक्सटेंसर हेलुसिस ब्रेविस एक, और एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस दो। तो आपके ये लॉन्गेस्ट थे, तो इनके ब्रेविस दो मसल हैं, एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस और एक्सटेंसर हेलुसिस ब्रेविस। दोनों का क्या काम है? हेलुसिस एक्सटेंड करेगा टोज को, डिजिटोरम एक्सटेंड करेगा डिजिट्स को। नर्व सप्लाई क्या है? डीप पेरोनियल नर्व, इसकी नर्व सप्लाई है। ठीक है, इंसर्ट कहाँ होंगे? प्रॉक्सिमल फैलिंग्स से ऊपर वाली साइड पे दोनों अपने रिस्पेक्टिव। ये सिर्फ सुपरफिशियल कंपार्टमेंट में ये दो ही मसल ग्रुप्स हैं। अच्छा, इतना क्यूटेनियस डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं, क्योंकि ये फेयरली इंपॉर्टेंट है फुट की, स्पेशली नर्व लीजन्स में। जो के सुपरफिशियल फिबुलर नर्व है, उसकी बहुत ब्रॉड क्यूटेनियस डिस्ट्रीब्यूशन है। रफली मेजॉरिटी ऑफ आपका जो डोर्सम ऑफ फुट है, वो सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व से सप्लाइड है, एक्सेप्ट ये जो फर्स्ट वेब स्पेस होती है, ये आपकी डीप फिबुलर नर्व से सप्लाइड होती है। और ये अक्सर एमसीक्यूज में आता है, फर्स्ट वेब स्पेस किससे सप्लाइड है, या बंदा है उसको लॉस ऑफ सेंसेशन है फर्स्ट वेब स्पेस में, तो कौन सी नर्व डैमेज होगी? तो ये डीप फिबुलर नर्व, इंपॉर्टेंट बात है याद रखना, कि ये फर्स्ट वेब स्पेस को सप्लाई करती है। बाकी सारा मोस्टली जो आपका सुपरफिशियल सॉरी डॉर्सम है, वो सुपरफिशियल फिबुलर से है, जो कि आपके फुट के बिल्कुल लैटरल साइड बनती है, वो सूरल नर्व से सप्लाइड होती है। तो ये थ्री नर्व्स हैं जो आपकी डॉर्सम की कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, थोड़ा मीडियल मैल्यूलस तक अगर आ जाए, तो वहां पे आपकी फिर सेफनस नर्व आ जाती है। इसी तरह जब अभी हम अंडर साइड पे जाएंगे, तो वहां पे दो हमने नर्व्स पढ़ी थी, मीडियल और लैटरल प्लांटर नर्व्स, और पीछे वो किसकी ब्रांच आ रही थी? टिबियल नर्व की। तो इसलिए उसकी जो क्यूटेनियस डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो इसी तरह होगी। जो आपकी मीडियल प्लांटर नर्व है, वो आपकी प्लांटर सरफेस ऑफ फुट को सप्लाई करेगी, कितने फुट को? 1, 2, 3 and a half, जिस तरह हैंड में था। और फिर आपकी जो लैटरल प्लांटर नर्व है, वो भी कितने को सप्लाई करेगी? 2 and a half,
और बाकी की सारी। और पीछे ये दोनों ब्रांचेस किसकी थी? ये ब्रांचेस थी टिबियल नर्व की। तो जो आपकी हील है, हील आपकी सप्लाइड होगी बाय टिबियल नर्व। थोड़ा लेग में ऊपर आ जाए तो आपकी जो मीडियल साइड है वो सेफनस नर्व पोस्टीरियरली सप्लाई करती है। इम्पोर्टेंट जो इसमें क्यूटेनियस नर्व्स हैं वो आपकी सेफनस और सूरल का पता होना चाहिए लेग में, क्योंकि ये दो इम्पोर्टेंट है। बाकी जो फिर लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ काफ, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ था, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रह जाती। तो आपकी जो मीडियल साइड है, मीडियल साइड में से क्यों कह रहा हूँ, ये आपकी बिग टो नजर आ रही है। जो आपकी मीडियल साइड है वो सप्लाई होती है काफ की तकरीबन सारी बाय सेफनस नर्व, जो कि एक ब्रांच थी फेमरल नर्व की, और जो कि फिर आपकी बनती है लैटरल साइड पोस्टीरियरली, वो एंटीरियरली भी हम देख लेते हैं, वो सप्लाइड होती है बाय सूरल नर्व। दूसरी इंपॉर्टेंस इन नर्व की पता होने की है क्योंकि ये नर्व अकंपनी कर रही होती हैं साथ जो आपकी सुपरफिशियल वीनस स्ट्रक्चर गुजर आते हैं। तो आप जब आप वेनस वेन्स की स्ट्रिपिंग करते हैं या वेन्स रिमूव करते हैं तो उसमें साथ इन नर्व्स के रिमूव होने का रिस्क होता है। एंटीरियरली क्या है, सेफनस नर्व उसी तरह रैप अराउंड करके आपकी मीडियल साइड को कवर कर रही है। और डिस्टिंक्शन आ जाती है इधर, वहां पे पीछे सूरल नर्व थी, यहाँ पे सारी कौन सी है, सुपरफिशियल फिबुलर ये यहाँ पे, और सूरल बिल्कुल यहाँ टिप पे रह जाती है। और साथ ये फर्स्ट प्रोस्ट्रेट में क्या है, डीप फिबुलर। तो ये तीन नर्व्स हैं जिनका लाजमी पता हो, सूरल नर्व, सेफनस नर्व, सुपरफिशियल फिबुलर, डीप फिबुलर, और नीचे यहाँ पे आके मीडियल प्लांटर और लैटरल प्लांटर और ये टिबियल नर्व। बाकी जो ऊपर नर्व्स हैं उनका इतना ना भी पता हो तो इतना मसला नहीं होना चाहिए। आखिरी चीज आर्टरी रह गई और फिर थोड़े बहुत क्लिनिकल्स। अच्छा, आर्टीरियल डिवीजन इस तरह है कि आपकी वहां से आ रही थी पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी ने क्या करना है, आके डिवाइड हो जाना है इनटू, जिस तरह नर्व ने डिवाइड होना है टिबियल नर्व ने, लैटरल प्लांटर और मीडियल प्लांटर। लैटरल प्लांटर फिर आगे जाके पूरी एक आर्च बनाती है, यूं ये कर्व करती है, और एंड पे टर्मिनेट क्या करती है, डोर्सल स्पीडस के साथ आपकी जो सॉरी जो आपकी डोर्सल सरफेस पे है, पर्स मेटाटार्सल के साथ घूम के उसके पास चली जाती है और उससे एनास्टोमोस करती है। बाकी इसने ब्रांचेस कौन कौन सी देनी है, हर लेवल पे परफोरेटिंग ब्रांच एक तो वो देती है, उसके बाद कॉमन डिजिटल ब्रांचेस, ये जो आपको मेटाटार्सल आर्टरीज नजर आ रही है, प्लांटर मेटाटार्सल आर्टरीज, ये देगी जो आगे जाके कॉमन से प्रॉपर डिजिटल ब्रांचेस बन जाएंगी। लेकिन इतनी डिजिटल ब्रांचेस का बेसिक ना भी पता हो, ये पता हो कि यहाँ से जो लैटरल प्लांटर आर्टरी है वो डीप प्लांटर आर्च बनाएगी और एंड में टर्मिनेट करेगी इनटू द डोर्सल स्पीडस, और जो मीडियल आर्टरी है वो मोर और लेस इसी तरह फर्स्ट बिग टो के साथ साथ ही ट्रेवल करके सीधी चले जाती है। इसकी फ्लिप साइड पे अगर एंटीरियरली आ जाए, एंटीरियर आर्टरी क्या है, यहाँ से आपकी आ रही है एंटीरियर टिबियल आर्टरी। एंटीरियर आर्टरी इस पॉइंट पे आके जब क्रॉस करती है जॉइंट को तो बन जाती है डोर्सल स्पीडस आर्टरी, कुछ खास चेंज नहीं आता है, बस डोर्सल स्पीडस बन जाती है। फिर नेक्स्ट जो इसकी मेन ब्रांच है वो इस पॉइंट पे आके आती है जिधर ये एक आर्कुएट आर्टरी देती है जो आपकी डिजिट्स को चली जाती है, और दूसरी ये जो फर्स्ट मेटाटार्सल को है एक ब्रांच यहाँ पे दे देती है, और यहाँ से नीचे से कौन सी आर्टरी आई थी, डीप प्लांटर आर्टरी, जो यहाँ पे आके इससे एनास्टोमोस करती है डीप प्लांट, जब वो पूरी आर्च अपनी कर देती है। बाकी इसमें कुछ खास आर्टरीज में ऐसा है नहीं। अच्छा, क्लिनिकल्स, क्लिनिकल हमने नी से पहले तक के किए थे तो अब थोड़ा नी से आगे चलते हैं और उनको कंप्लीट कर लेते हैं।
अच्छा, नी के बाद हम फ्रैक्चर से दोबारा अगेन, पहले फ्रैक्चर्स, फिर उसका जॉइंट्स, फिर क्यूटेनियस, फिर मसल्स और नर्व्स, इसी तरह करके क्लिनिकल करते हैं। अच्छा, लोगों को मेरे ख्याल आवाज नहीं आ रही है जान की वजह से, एक सेकंड रुक जाते हैं। अच्छा, अब क्लिनिकल कोरिलेट्स में आए तो सबसे पहले पॉट्स फ्रैक्चर। पॉट्स फ्रैक्चर क्या होता है? पॉट्स फ्रैक्चर इज द फ्रैक्चर ऑफ द लोअर एंड ऑफ फिब्युला। ठीक है, अगर फिब्युलर फ्रैक्चर है तो उसे हम यूजली पॉट्स फ्रैक्चर भी कह सकते हैं। इज यूजली अकम्पनीड बाय द फ्रैक्चर ऑफ मीडियल मैलियोलस, या फिर साथ आपका डेल्टॉइड लिगामेंट का भी रप्चर हो सकता है। और यूजली पॉट्स फ्रैक्चर जो है वो फर्स्ट ई वर्जन ऑफ द फुट की वजह से होता है। तो डिस्टल फिबुलर फ्रैक्चर्स पॉट्स फ्रैक्चर कहते हैं। नेक्स्ट फ्रैक्चर नेक ऑफ फिबुला। अगर तो आपका फ्रैक्चर हो, इस लेवल पे, तो अगेन यहाँ पे आपने वेरी केयरफुल रहना होता है ऑफ इंजरी टू द कॉमन पेरोनियल नर्व, जो यहाँ पे वाइंड अराउंड करेगी इसके नेक पे। अगर आपकी कॉमन पेरोनियल नर्व जाती है तो कौन सी मसल कंपार्टमेंट्स जाएंगे? मसल कंपार्टमेंट आपके एंटीरियर और लैटरल ग्रुप जो है वो दोनों जाएगा। तो वो कौन से होते हैं? एंटीरियर लैटरल ग्रुप आपके डोर्सी फ्लेक्सर्स होते हैं और आपके इवर्टर्स होते हैं। तो आपका लॉस ऑफ डोर्सी फ्लेक्शन और इवर्जन होगा। और दूसरी चीज, अभी मैंने क्यूटेनियस भी करा दी है, तो इसलिए मैं वापस आता हूँ कि क्यूटेनियस से भी अब आप इसको लिंक करें, क्योंकि जो कि आपकी थी सुपरफिशियल फिबुलर नर्व और डीप फिबुलर नर्व, ये दोनों आपकी आ रही थी फिबुलर से ही, कॉमन पेरोनियल से। तो आपका जो होगा लॉस ऑफ सेंसेशन इन तकरीबन इंटायर डॉर्सम ऑफ द फुट इंक्लूडिंग फर्स्ट वेब स्पेस होगा। अगर कोई इनमें से एक नर्व डैमेज होती है तो आपका फर्स्ट वेब स्पेस या स्पेयर हो जाएगी या बाकी का फुट। लेकिन अगर कॉमन होती है तो मिडिल लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है, मिडिल लॉन्गिट्यूडिनल पे भी आ जाता हूँ, तो आपकी दोनों का डैमेज होगा। जब फ्लैट फुट करेंगे तब मैं मिडिल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च भी दोबारा बता दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं आपका मार्च फ्रैक्चर या स्ट्रेस फ्रैक्चर होते हैं, या इसे फटीक फ्रैक्चर भी कहते हैं। आपकी कोई भी जो मेटाटार्सल है वो फ्रैक्चर हो सकती है ड्यू टू प्रोलॉन्ग वॉकिंग, मार्चिंग में यूजली होती है, और या ये बैले डांसर्स में भी ये वाले फ्रैक्चर्स होते हैं जो अपना पूरा बॉडी वेट मेटाटार्सल्स के ऊपर डालते हैं। फिर आते हैं जेनु वेलगम और जेनु वेरम। कल हमने कॉक्सा किए थे, आज हम इसके वो दूसरा करते हैं, जेनु वेलगम जेनु वेरम। वो बेसिकली होता है अगर आपके एंगल जो है ठीक, अगर आपका ये जो एंगल नॉर्मल बन रहा है ये एग्जेजरेटेड बन जाए, किस तरह? जेनु वेलगम होता है अगर आपके ये बाहर को हो तो जेनु वेलगम होता है, अगर आपका इधर को एग्जेजरेट हो जाए तो वो जेनु वेरम होते हैं। मतलब अगर यूं स्ट्रेट जाने की बजाय लेग यूं करके लग जाए और यहाँ पे आपकी टो हो तो ये जेनु वेलकम हो जाता है, और अगर यूं जाने की बजाय अंदर को कर्व कर जाए तो आपका जेनु वेरम होता है। नेक्स्ट, हिमार्थोसिस हमने कल कर लिया था, ड्रॉर साइन और एसीएल की मैं उस पे टेयर्स पे बात करता हूँ, जो कि आपके एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट था। अच्छा, ये जो आपका ये एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट था, इसका काम क्या है? एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट आपकी एंटीरियर डिसलोकेशन को या एंटीरियर मूवमेंट ऑफ फिबुला ऑफ टिबिया ऑन द फीमर प्रिवेंट करता है। क्या मतलब कि आपकी बेसिकली जो लोअर लेग है
वो एंटीरियरली स्लिप करके ना आ जाए। तो इसे आप टेस्ट कैसे करते हैं, आप लोअर लिम को पकड़ के आगे को खींचते हैं, तो अगर आपका एक हार्ड एंड पॉइंट होता है तो मतलब आपकी ये लिगामेंट इंटैक्ट है। एंटीरियर डॉर्साइन कहते हैं इसके, अगर नहीं समझ आ रही तो गूगल कर लेना एग्जाम कैसे होता है, बहुत सिंपल एग्जामिनेशन है। कैसे एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के टेयर्स होते हैं, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के टेयर्स होते हैं जब आपकी यूजली फुटबॉलर्स में इंजरीज होती हैं, ACL टेयर बहुत कॉमन होता है उनमें, एकदम से आपकी अगर फोर्स आके लगती है ऑन योर नी जॉइंट, यूजली एंटीरियरली फोर्स आके लग जाती है और उसकी वजह से ACL का टेयर हो जाता है। होता क्या है, जब भी आपका ACL का टेयर होता है एकदम से सडन स्वेलिंग ऑफ द जॉइंट, गिविंग ऑफ द जॉइंट, और एकदम से जॉइंट में वो हिमार्थोसिस हो जाता है, लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लीड होती है जॉइंट में जिसकी वजह से एकदम से जॉइंट स्वेल अप कर जाते हैं। इसका ऑपोजिट पोस्टीरियर डॉर्साइन होता है, वो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का टेयर होता है, लेकिन वो इतना कॉमन नहीं होता है जितना ACL का टेयर है। ACL टेयर्स बहुत फ्रीक्वेंटली आप इनकाउंटर करते हो। मेनिस्काई में भी जो मीडियल मेनिस्कस इंजरीज हैं वो ज्यादा कॉमन होती हैं, और मीडियल मेनिस्कस इंजरीज आपको यूजली ट्विस्टिंग एक्शन अगर नी जॉइंट पे पड़ा है फोर्स के अगेंस्ट, एकदम से आपने टर्न लिया भागते हुए, इस तरह की जो मूवमेंट्स होती हैं, या आप टर्न ले रहे थे और आपके नी जॉइंट पे कोई इंपैक्ट हुआ है, कोई और प्लेयर उस पर आके गिर गया है, तो उसकी वजह से आपके मीडियल मेनिस्कस इंजरीज होती हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मीडियल मेनिस्कस इंजरीज में आपकी साथ जो टिबियल कोलैटरल लिगामेंट है वो भी डैमेज हो जाता है। तो सिर्फ आपकी मीडियल मेनिस्कस इंजरीज नहीं होती है, क्योंकि वो दोनों एडहेरेंट होते हैं, तो आपके मीडियल कोलैटरल लिगामेंट भी साथ डैमेज हो सकता है। तो इसका बहुत आपको ख्याल रखना होता है जब आपकी मीडियल मेनिस्कल इंजरी हो रही होती है। फिर अगेन मीडियल मेनिस्कल या सॉरी मीडियल या लैटरल कोलैटरल जो लिगामेंट्स की होती हैं इंजरीज, वो तभी होंगी बंदा अगर स्ट्रेट खड़ा है और या तो लैटरल साइड से फोर्स पड़ रही है तो मीडियल साइड की लिगामेंट टेयर होगी, और अगर मीडियल साइड से फोर्स पड़ रही है मतलब अगर ये उसकी लेग है, यूं स्ट्रेट है, ये नी है और ये बाकी की लेग है, सॉरी इधर इस पे बताता हूँ, अगर यूं बंदा स्ट्रेट खड़ा है और लेग उसकी स्ट्रेट है तो ये आपकी मीडियल लिगामेंट है। तो अगर आपकी एक फोर्स डायरेक्टली इस प्लेन में आके पड़ रही है तो क्या होगा, इस लिगामेंट पे स्ट्रेच पड़ेगा और आपकी ये लिगामेंट टेयर हो सकती है। इसी तरह ये जो यहाँ पे लिगामेंट्स हैं, अगर इस साइड से आके फोर्स पड़ रही है तो इन लिगामेंट्स पे स्ट्रेच पड़ेगा और ये लिगामेंट टेयर हो सकती है। और यहाँ पे अगर देखें तो मीडियल जो लिगामेंट है वो काफी क्लोजली एडहेरेंट है मेनिस्कस के, तो मीडियल कोलैटरल लिगामेंट और मीडियल मेनिस्कस की इंजरीज यूजली इकट्ठी आप देखते हैं। सेशन खत्म होने वाला है तो मैं अनहैप्पी ट्राइड करता हूँ, फिर रीजॉइन कर लेते हैं, जो थोड़े बहुत क्लिनिकल्स रह गए हैं वो कर लेंगे। अच्छा, अनहैप्पी ट्रायड होता है बेसिकली एक कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स है जिसमें क्या होता है, आपका टिबियल कोलैटरल लिगामेंट डैमेज होती है, मीडियल मेनिस्कस डैमेज होता है, साथ